हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं रिव्यू लेके आई हूँ एक स्किन पॉलिश का, जो मैं आपके सामने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। इसका फेशियल मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है, और मैं कई दफ़ा यूज़ करने के बाद उसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन ये एक बहुत ही उसी फेशियल के साथ ये मैंने उनकी एक स्किन पॉलिश मंगवाई थी, जो क्लेम करती है कि वो हर्बल है। हर्बल फेशियल था और हर्बल ही ये स्किन पॉलिश है जिन लोगों के चेहरे पे या जिनके चेहरे पे बाल हैं या वैसे जो अपनी स्किन को पॉलिश करना चाहते हैं, मींस के स्किन पे ग्लो आ जाए, लाइट हो जाए स्किन, और उस पर जो भी छोटे या बड़े जो फेशियल हेयर रिमूव नहीं करना पसंद करते और चाहते हैं कि हमारे मतलब किसी भी स्किन पॉलिश से हमारे बाल, हमारी स्किन जैसे हो जाए, तो उन लोगों के लिए वीडियो है जो भी स्किन को पॉलिश को पसंद करते हैं, ठीक है। ये पिंक कलर की स्किन पॉलिश है, FW ऑर्गेनिक की है, नेचुरल प्योर ऑर्गेनिक है, ठीक है, 100% हर्बल प्रोडक्ट है। इसके अंदर है वॉल्यूम है 20 और इसके अंदर है पाउडर ब्लेंडर, ठीक है। ये पिंक कलर में है, जो कि मेरा फेवरेट कलर है पिंक। तो चले आए, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इसको बना के इसका रिज़ल्ट देखते हैं और देखते हैं कि इसका कैसा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा, जब भी हम कोई स्किन पॉलिश बनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि दो चीज़ें मस्ट अंदर ऐड करनी है। पहली बात, तो आपने सबसे पहले जो ब्लॉन्डर यूज़ करना है वो उसकी क्वांटिटी कम करनी है। जैसे ये हर्बल है तो मैं इसकी हाफ़ करूँगी, और अगर हम कोई दूसरे हर्बल स्किन पॉलिश यूज़ नहीं कर रहे, कोई दूसरी करी है, तो आप उसका फोर्थ, अगर आप एक चम्मच आप डाल रहे हैं वो डिवेलपर वॉल्यूम जो भी आप डाल रहे हैं 20, तो फिर उसका चौथा हिस्सा आपने पाउडर का डाला है। लेकिन इसमें हाफ चम्मच में डाल रही हूँ पाउडर का और एक पूरा चम्मच में डाल दूँगी उसका वॉल्यूम का, ठीक है। उसके बाद शाइनर, शाइनर आपने कोई भी स्किन पॉलिश यूज़ करें, डर्मा शाइन की, जिस भी कंपनी की यूज़ करें, आप शाइनर और सूदिंग लोशन जो है ले के रखें, ये इनका सॉफ्ट टच वालों का, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आपके फेशियल के रिज़ल्ट को डबल कर देता है, और दूसरी बात, जिन इचिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, और किसी को दूसरा जो स्किन पॉलिश है या किसी चीज़ से रिएक्शन हो जाता है, तो आप ये वाला सूदिंग लोशन सॉफ्ट टच का फेस पे मास्क की तरह लगा के छोड़ दें, तो आपका मसला भी, आपको जो भी एलर्जी हुई होगी वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहती थी, ये मेरी दूसरी बॉटल्स है, ये मैं इस तरह ला के ये बड़ी वाली रख देती हूँ, और इतनी कोई महंगी भी नहीं आती, और ये साल दो साल चल जाती है, साल दो साल चल जाती है, ठीक है। तो आप हाथ पांव पे यूज़ कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी कर रहे हैं आप इसको डालें, आपको इचिंग नहीं होगी। सबसे बड़ा मसला स्किन पॉलिश का ये होता है कि इचिंग होती है और हम फ़ौरन से उतार देते हैं, ठीक है। तो आप सूदिंग लोशन जो है वो इचिंग नहीं होने देता, और आप इसका शाइनर भी ले कर रखें। अच्छा, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, लेकिन मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स किया है आपके सामने, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके बाद भी इसके अंदर थोड़े से पार्टिकल्स ऐसे थोड़े से रह गए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी स्किन पे हार्श फील नहीं हो रहे थे, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको, ये मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैं हाथ पे तो आपको डेमो करके दिखाऊंगी, और साथ में मैंने फेस पे भी करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि साथ में वीडियो हाथों पे आपको डेमो दिखा दूंगी और अपना फेस भी साथ में कवर कर लूँगी। हाथों पे मैं इसको अच्छी तरह से किसी ब्रश की मदद से लगा लूँगी अच्छी तरह से, ठीक है, और उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट से ज़्यादा आपने कोई भी स्किन पॉलिश या ब्लीच है आपने 15 मिनट से ज़्यादा नहीं यूज़ करनी। 15 मिनट से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आपके स्किन की, कोशिश करें अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो 10 मिनट यूज़ करें, अगर आपकी स्किन पर इतना नहीं मसला होता और तो फिर आप 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फेस पर मैं 10 मिनट के लिए लगाऊँगी और हाथों पाँव पे मैं 15 मिनट के लिए लगा लूँगी, ठीक है। मैं आपको लगा के थोड़ी देर बाद आपसे मैं फिर
भी लूँगी। ठीक है, तो 15 मिनट जैसा के हो चुके हैं और मैंने अपने फेस पे मेरे 10 मिनट हो गए और यहाँ पे 15 मिनट, तो मैं आपके सामने इसको रिमूव करूँगी और आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाऊँगी। तो मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मुझे ज़रा भी ईचिंग नहीं हुई और कैमरा उतना, शायद रात का टाइम है, मैंने रिंग लाइट नहीं यूज़ की हुई और कैमरा उतना रिज़ल्ट नहीं अच्छा दिखा पा रहा जितना मैं मतलब फील कर रही हूँ। और जब मैं ये लगा फेस पे भी, जैसे मैंने ये यूज़ की है और ख़ासतौर पर ये फेस के लिए हर्बल है, हाथ पाँव पर तो आप कोई भी लगा सकते हैं, तो आप फेस पे लगाने के बाद इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट था। लेकिन मैं फेस पे लगाने से पहले अपनी चीक्स वाली साइड पे और चेन पे मैं हल्का सा सूदिंग लोशन पहले अप्लाई कर लेती हूँ कि मुझे कोई भी इरिटेशन ना हो, मींस के कुछ भी रेडनेस ना हो, क्योंकि ये जगह हमारी सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी ज़बरदस्त ग्लो थी, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट था और नेक्स्ट डे जो आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो मेरा रिव्यू इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, कोई भी सॉरी इंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से शोर पीछे से आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो आप इसको लाजमी यूज़ करें। अगर आप लोग कोई भी अच्छी स्किन पॉलिश चाहते हैं जो हर्बल भी हो, किसी भी साइड इफ़ेक्ट के बाद आपको, साइड इफ़ेक्ट के बगैर आप लोगों को रिज़ल्ट दे, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको यूज़ इसलिए किया था कि मैं इसका डेमो हाथों पे आपको डेमो दे दूँगी और फेस पे भी मैं इसका रिज़ल्ट देख लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपने रिव्यू किसी चीज़ का लेना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है, कोई मसला, कुछ भी, कोई भी आपके साथ इशू है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं लाजमी हर किसी को रिप्लाई करती हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जिन लोगों ने इसका फेशियल का देखना है डेमो या इनके फेशियल का रिव्यू देखना है तो वो मेरे चैनल पे FW ऑर्गेनिक का मौजूद है, तो वो आप वहाँ से जाके मेरे चैनल से देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।